वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। मित्रों महादेवाय नमः। मैं महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके सामने महाकवि कालिदास विषय प्रशस्तियाँ पर चर्चा करेंगे। इसके पहले पहले के वीडियो में हम लोगों ने महाकवि कालिदास के जीवन वृत्ति और उनकी रचनाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन पढ़ा। तो आज एक शार्ट में उनकी कुछ प्रशस्तियाँ के विषय में पढ़ेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं प्रशस्तियाँ। तो महाकवि कालिदास विशेष प्रशस्तियाँ। तो कालिदास विशेष प्रशस्तियाँ। कालिदास का भाव सौष्ठव, उसकी उपमाएं और अर्थांतरन्यास, उसकी कोमल कांत पदावली, कल्पना माधुर्य, सुहृद हृदयता एवं अर्थ गंभीर गुण सभी कवियों के द्वारा अभिनंदनीय रहे हैं। अर्थात कालिदास की भाव सौष्ठव, उनकी उपमाएं, अर्थांतरन्यास, कोमल कांति पदावली, कल्पना माधुर्य, सुहृद हृदयता और अर्थ गंभीर गुण सभी कवियों द्वारा वंदनीय अभिनंदनीय रहे हैं। इसलिए कुछ कवियों ने निम्नलिखित सूक्ति मुक्ताएं दी हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहली सूक्ति मुक्तावली महाकवि बाण ने हर्षचैतन्य में लिखा, निर्गताशु नावा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, निर्गताशु नावा कस्य, निर्गताशु नावा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, प्रीतिर्मधुर सांद्राशु मंजरीषु जायते, निर्गताशु नावा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, प्रीतिर्मधुर सांद्राशु मंजरीषु जायते। यह महाकवि बाण ने हर्षचैतन्य में कालिदास की प्रशंसा में लिखा, निर्गताशु नावा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, प्रीतिर्मधुर सांद्राशु मंजरीषु जायते। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरी प्रशस्ति के विषय में गोवर्धनाचार्य ने आर्य सप्तशती में लिखा कि भूमिका में लिखा है, शाकुत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कुचित प्राय, शिक्षा समय पि मुदे रतलीला कालिदासोक्ति कालिदासोक्ति। शाकुत मधुर कोमल विलासिनी नील कुंजित प्राय, शिक्षा समय पि मुदे रतलीला कालिदासोक्ति। यहाँ गोवर्धनाचार्य ने कालिदास की प्रशंसा के विषय प्रशंसा करते हुए आर्य सप्तशती में लिखा, शाकुत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कुचित प्राय, शिक्षा समय पि मुदे रतलीला कालिदासोक्ति। फिर जयदेव ने प्रसन्न राघों में लिखा, कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जयदेव का यह सूक्ति वाक्य, इसको याद कर लें, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि सभी पूछे जाते हैं लेकिन ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा किसने लिखा? जयदेव ने। किसके विषय में लिखा? तो महाकवि कालिदास के विषय में। कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, जयदेव ने प्रसन्न राघों में लिखा। फिर दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में लिखा, लिप्ता मधुद्रवीणासन यस्य निर्विषया गिरा तेनेदं वत्म वैदर्भम कालिदासेन शोधितम कालिदासेन शोधितम। लिखा दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में लिखा, लिप्ता मधुद्रवीणासन यस्य निर्विषया गिरा तेनेदं वत्म वैदर्भ्यम कालिदासेन शोधितम। ये दंडी ने लिखा अवंती सुंदरी कथा की भूमिका में लिखा है।
और फिर आगे देखते हैं तो श्री कृष्ण ने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पष्ट दोषा नलिनी व दृष्टा, अस्पष्ट दोषा नलिनी व हृष्टा, हारावली व ग्रथिता गुणधई, प्रियांक पालिव प्रकाम हृदया, प्रियांक पालिव प्रकाम हृदया, न कालिदासस्य परस्य वाणी, अस्पष्ट दोषा नलिनी व हृष्टा, हारावली व ग्रथिता गुणधई, प्रियांक पालिव प्रकाम हृदया, न कालिदासस्य परस्य वाणी। तो ये पूछा जाता है कि कालिदासस्य परस्य वाणी किसने कहा, तो किसी किसने कहा कालिदासस्य परस्य वाणी, श्री कृष्ण एक महान कवि थे, उन्होंने कालिदास की प्रशंसा में कहा। फिर सोढ़ल ने कहा ख्याता कृत्य सोपि चा कालिदासा, शुद्धा सुधा स्वादुमति चयस्य, वाणी मिच्छांडन चंड मरीच गोत्र सिंधो, परम पारमो परम पारमम वाप कीर्ति। तो सोढ़ल ने इसी बात को कहा, ख्याता कृति सोपि चकालिदासा, ख्याता कृति को सोपि चकालिदासा, शुद्धा सुधा स्वादुमति चयस्य, वाणी मिसा चंड मरीच गोत्र सिंधो, परम पारम वाप कीर्ति। ये सोढ़ल ने कहा, कालिदास के विषय में एक सूक्ति और आगे प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भार्वे अर्थ गौरवम, दंडिना पदलालित्यम, माघे संति त्रियो गुणा। इस वीडियो में इतना ही, फिर से एक बार प्रशस्तियाँ उनके विषय में देख लेते हैं। तो कालिदास के विषय में बाणे हर्षितम लिखा, निर्गता सुना वाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु, प्रीतिर मधुर सांद्राशु मंजिर शिव जायते। तो आपसे पूछेगा निर्गता सुना वाकस्य कालिदासस्य सुक्ति, ये किसने कहा और किस ग्रंथ में कहा। तो महाकवि बाण ने हर्षचैतम ग्रंथ अपनी अपने हर्षचैतम ग्रंथ में कहा, जो 400 में विभक्त हैं। फिर गोवर्धनाचार्य ने लिखा है, शाकुत मधुर कोमल विलासिनी, कंठ कोचित प्राय शिक्षा समय भी मुदेरत लीला कालिदासोक्ति। यह गोवर्धनाचार्य ने आर्य सत्य में कहा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इनका कविकुल गुरु कालिदासो विलासा, ये जयदेव का प्रसन्न रागों में कहा, कविकुल गुरु कालिदासो विलासा। फिर चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, लिप्ता मधुद्रवेड़ासन यस्य निर्विषया गिरा, तिनेदम वर्त्म वैदर्भम कालिदासेन शोधितम। ये दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में कहा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अस्पष्ट दोषा नलिनी वृहिष्ठा, हारावली वो ग्रथिता गुड़ धई, प्रियांक पालिव प्रकाम हृदया, न कालिदास दास परस्य वाणी, न कालिदासाद परस्य वाणी। तो पूछा जाता है न कालिदासाद परस्य वाणी, ये किसने कहा। तो ये श्री कृष्ण ने कहा कालिदास के संबंध में। फिर सोढ़ल का कथन है, ख्याता कृति सोपि च कालिदासा, शुद्धा सुधा स्वादुमति चयस्य, वाणी मिसा चंड मरीच गोत्र सिंधो, परम पारम पारम वाप कीर्ति। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, महादेवाय नमः। हे सारदे मां मेरी सारदे मां, अज्ञानता से मुझे पार दे मां, हे सारदे मां मेरी सारदे मां।